वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, डिस्कशन की आज लास्ट क्लास है और आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय 50, दो फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी, और फैक्ट्री ए में 50 लोग और इनके एवरेज वेजेस वो 120 रुपए रहती है, और वेरियंस ऑफ वेजेस पर एम्प्लॉय जो वेरिएंस है हमारा वो हमारा 9। खैर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में रिलेशन आपने अच्छे से समझा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर स्क्वायर कर देते हैं तो वेरिएंस आता है, या फिर वेरिएंस के ऊपर रूट कर देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। इसके बारे में मैं दो चार बार लिखवा भी चुका हूं आपको। अब इन विच द फैक्ट्री देयर आर द ग्रेटर वेरिएंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेजेस पर एम्प्लॉय, तो हमें सबसे पहला फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में हमें दोनों का वेरिएंस, हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, लास्ट क्लास है, छोटा सा टॉपिक रह गया था, बस खत्म करते हैं इसको आज हम। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में उसका मीन इनटू 100। तो फैक्ट्री ए का कोवेरियंस ऑफ फैक्ट्री ए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए क्या आएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ए क्या होगा, वेरियंस ऑफ ए 9 है, तो वेरिएंस के ऊपर रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। क्लियर है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, मैं कोवेरियंस ऑफ ए निकाल रहा हूं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए क्या रहने वाला है, ए का वेरिएंस 9 है उसको हम रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 हो जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए अपॉन में उसका मीन, मीन हमें गिवन है 120 और इनटू 100। सॉल्व करेंगे इसको 2.5%। क्लियर है बच्चे, आगे आप सॉल्व करेंगे। मैं बात करता हूं बी की ऑफ इनटू 100, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी क्या है, तो ये हमारे पास 16, तो इसका वेरिएंस है, वेरिएंस इसका रूट कर दीजिए, और इसका मीन हमारे पास में 85 है। एंड इनटू 100 का वेरिएंट ऑफ वेरिएंस क्या आ गया हमारे पास, 4 अपॉन ग्रीन लैक थी वॉइस भी सर, हार्मोनियम अब ठीक है बच्चे, मैं रिपीट कर देता हूं, देखिए जरा हमारे पास सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय उसका मीन, उस सीरीज का मीन इनटू 100। तो मैं सबसे पहले ए फैक्ट्री की बात करता हूं, तो ए फैक्ट्री का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं मालूम, तो आप किसी का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं, जब उसका वेरिएंस गिवन है तो वेरिएंस का रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो वेरिएंस के ऊपर रूट कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ए का आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8 डिवाइडेड बाय आपका मीन, आपका ए का गिवन है इनटू 100, तो आपके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ ए आ गया। सिमिलर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बी, बी हमारे पास में क्या है बच्चे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बी का कैसे निकालेंगे, इसका वेरिएंस गिवन है, तो वेरिएंस का रूट अपॉन में उसका मीन इनटू 100, दिस वन, ये आपका आ गया। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, और कह रहे हैं इन विच फैक्ट्री इज देयर द ग्रेटर वेरिएंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेजेस पर एम्प्लॉय, तो ग्रेटेस्ट किसका आपके पास है, बी का, 7.4.70। यहां तक क्लियर है आपको, अब बच्चे देखिएगा सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे कि सपोज इन अ फैक्ट्री बी द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय वर रॉन्गली नोटेड एज 120 इंस्टेड ऑफ 100। कह रहा है सपोज मान लीजिए कि डाटा को जब हम लिख रहे थे
ओरिजिनल डाटा की बात कर रहा है, तो वहां पर गलती से एक जगह पर हमने 120 डाल दिया जबकि था कितना 100 था। तो कह रहा है कि करेक्ट वेरिएंस ऑफ फैक्ट्री बी निकालना है, तो हमें जो है फैक्ट्री बी का सही वाला वेरिएंस फाइंड करना है अगर हमारे साथ ऐसी गलती हो गई है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जरा इस बात को, आप समझिएगा कि आपके पास में मीन गिवन है फैक्ट्री बी का, वो क्या गिवन है आपको, मीन गिवन है फैक्ट्री बी का, वो आपको गिवन है 85। तो आप सही मायने में आप उसका समीशन बी निकालो फैक्ट्री बी का, ये तो इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट 85, क्योंकि जब डेटा गलत ले लिया आपने तो आपका जो है सम भी रॉन्ग आएगा, और आपका सम रॉन्ग आया तो एवरेज भी रॉन्ग आएगा, तो आपका जो है मीन 85 है तो रॉन्ग है। तो मैं पहले इसको सही करता हूं, मीन को सही करता हूं, तो ये 85 है। और कितने ऑब्जर्वेशन का हमने 85 बताया, 85 बताया 100 एम्प्लॉय का, तो इनटू मैं 100 कर देता हूं तो 85 मीन आ रहा है 100 का, तो टोटल कितना हो गया 8500। बट ये सम रॉन्ग है, इस सम को हम सही करते हैं, इस समीशन को हम सही करेंगे, तो 8500 माइनस रॉन्ग नंबर आप इसमें से आप एक्सक्लूड कर दें और आप करेक्ट नंबर इंक्लूड कर दें तो 20 और एक्सक्लूड जाएगा, तो समीशन x इक्वल्स टू 84 और 20 आप इसमें से कर देंगे 100 में से तो 80 8480, ये आपका समीशन सही है। अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, करेक्ट करेक्ट आप x बार निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, करेक्ट सम है आपके पास में, ऑब्जर्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक निकाला एक डाला 100 तो इक्वल्स टू 84.8। ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई बताइए जरा, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को? अब बात करते हैं बच्चे, आपके पास में करेक्ट मीन आ गया, करेक्ट समीशन एक्स आ गया, अब आपके पास में सिग्मा एक्स स्क्वायर ये करेक्ट करना है, एक्स स्क्वायर का सम। तो कैसे करेंगे आप, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको कभी भी करना हो स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर एन इंटू और प्लस एक्स बार का स्क्वायर, रॉन्ग वाला, क्लियर है? ये कोई डाउट किसी बच्चे को, पहले आप ये देख लीजिए, कोई डाउट है तो फिर पूछेंगे आगे। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट? तो आपके पास में समीशन एक्स स्क्वायर एन क्या है 100 है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हमारे पास में बी का, ये तो वेरिएंस है हमारे पास में, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना है, ये क्या हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बेसिकली वेरिएंस ही होता है, तो ये 16 का 16 रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस 16 है। और हमारे पास में एक्स बार, हमारे रॉन्ग वाले डेटा की बात करते हैं तो 85 का स्क्वायर, तो 72 25 ये है, सॉल्व करेंगे इसको, समीशन एक्स स्क्वायर 7225 प्लस 16 × 100 72410, क्लियर है बच्चे? तो समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास में है, ये समीशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो आपके पास में ये है समीशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7241 00। अब आपके पास में ये इनकरेक्ट है बट आप करेक्टेड निकालेंगे तो समीशन एक्स स्क्वायर, अच्छा आप इस बात को जरा समझिए आप पहले कि आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस निकलता कैसे है आपका, आप बताएं जरा, डेटा में से आप उसका मीन सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी तो निकलता है आपका, वेरिएंस की मैं बात कर रहा हूं। तो आप जब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास में, एक्चुअल डेटा का सम डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर, इस बात को समझ रहे हैं आप, एक्चुअल डेटा का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। तो यहां पर वापस प्लस आपका कर दिया और आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इंटू एन कर दिया, तो टोटल आ गया समीशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास में आ गया, पर रॉन्ग में क्या आपको चेंज करना है, रॉन्ग है तो आपको इनकरेक्ट नंबर का स्क्वायर माइनस करना है 120 144
00 और करेक्ट नंबर का डालना है आपका 10,000। तो रिजल्ट क्या रहा आपका, रिजल्ट आपका रहा, दिख रहा नहीं, हाँ ठीक है। प्लस रहा आपका, सेवन टू फोर वन डबल जीरो माइनस 1440 प्लस 10,000 आएगा। 7,24,100 माइनस 1,440 प्लस 10,000, तो हमारे पास आएगा 7,19,700। ये रहेगा। अब आपके पास में वेरिएंस आपको निकालना है ना, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? अगर आप एक्चुअल डेटाबेस करते हैं, एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बार का या माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये रहता है आपका वेरिएंस। तो आपके पास में बेसिकली वेरिएंस को आप क्या बोल सकते हैं, वेरिएंस बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, बात एक ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या फर्क है, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस बन जाता है, एक ही चीज है। आप कई बार ऐसे भी लिखा रह जाता है वेरिएंस को। तो आपके पास में समीशन एक्स स्क्वायर, तो आपके पास करेक्ट वाला क्या है, 7,19,700 अपॉन एन माइनस मीन। करेक्ट मीन क्या निकाला है हमने यहां पर, करेक्ट एक्स बार 84.8 का स्क्वायर। तो हमारे पास पे डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 7,197 माइनस 84.8 7,191.04 माइनस 7,197 5.96, ये हमारे पास में आ गया आंसर। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? अब जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, यहां पर क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज दिया हुआ है आपको। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपके पास में डेटा नहीं गिवन है, डेटा एक रेंज में गिवन है। तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप अपने डेटा के, मैं आपको सबसे पहले कंपनी ए की बात कर रहा हूं, तो कंपनी ए की बात कर रहा हूं, तो डेटा आपको आपके पास में इसका मीन आप कैसे, आप इसकी मिड वैल्यू निकालोगे। मिड वैल्यू क्या रहने वाला है आपका, मैं कंपनी ए कर देता हूं, कंपनी बी आपको खुद करना है, सिमिलर बिल्कुल एज इट इज है। हाँ जी, मिड वैल्यू आएगा, मिड वैल्यू के बाद आप उसको थोड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद आप एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आप उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मिड वैल्यू देते हैं पहले। मिड वैल्यू आपके पास में रहने वाला है 900 और 1600 और डिवाइडेड बाय 2 800। अब 200 गैप चल रहा है ना, तो 200 गैप लेके चलिए, 800 1100
1300 और 1500 मिड वैल्यू आ गया आपका। अब मिड वैल्यू आ गया तो लेकिन हम यहां पर एक काम करते हैं, यू यू क्या होता है, डेटा जब बड़ा बड़ा होता है तो डेटा को छोटा करके आप काम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप? आपको सबसे पहले मीन की रिक्वायरमेंट है, किसकी? कंपनी ए की मीन, मीन ऑफ कंपनी ए। आपको रिक्वायरमेंट है मीन निकालने की, क्योंकि आपको निकालना क्या है, वेरियंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपके पास ही बताऊंगा। सबसे पहले आपको मीन निकालना है एक्स बार, क्योंकि आप यहां पर निकालने जा रहे हैं विच ऑफ द कंपनीज द लैब्स हैव द ग्रेटर एवरेज लाइफ, ये आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस से पता लगता है, और विच कंपनी लैंप्स आर मोर यूनिफॉर्म, जिसके वैल्यू कम होती है मोर यूनिफॉर्म होता है। चलिए आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस निकालना है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस का आपके पास एक तरीका है, वो चीजें मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। सबसे पहला वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाइए कि वो किस तरीके से आप निकालेंगे। करिए बच्चे क्वेश्चन को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर आप निकालते भी हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में उसका मीन और इनटू 100 करोगे ना, तो आपको मीन की रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायरमेंट है, मीन कैसे निकालेंगे आप इसमें? ये तो बड़े डेटा है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो एफएम कर करके, बट एक तरीका आपको और बताया हुआ था, अज्यूम मीन मेथड याद होगा। आप यू कैसे निकाल सकते हैं? आप अपने मिड वैल्यू में से एक वैल्यू सबट्रैक्ट कर दीजिए। क्या सबट्रैक्ट करना चाह रहे हैं आप इसमें से? कोई भी एक वैल्यू सबट्रैक्ट कर लीजिए इसमें से, 1000 तो 1000 सब्ट्रैक्ट कर लो आप अपॉन 200, कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लीजिए उसको माइनस कर लो और अपॉन 200। क्लियर है बच्चे? अपॉन 200। अब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपके पास में मिड वैल्यू आपके पास में ये है, यहां सॉल्व करेंगे -1000 -200 अपॉन 200 तो -1 और -1000 अपॉन 200 -1000 -800 करते तो आपके पास में फिर भी 300, 1100, 1400, 1500 डेसिमल फेस कर रहे हैं आप, 100 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.2, 100 ले लीजिए आप इंटरवल में। गड़बड़ करी है ना हमने, 800 का 1000 आएगा ना, यहां पे गड़बड़ कर दी हमने, 800 200 गैप है ना, मिड वैल्यू 1000 1200 1400। क्लियर है? तो यहां पर 1 इसमें से करेंगे तो ये आपके पास में क्या है 0, और यहां पे करेंगे तो 200 अपॉन में 1, यहां पे करेंगे तो आपके पास में 400 बटा 200 2। अब आप यहां से F आपके ये U है ना, तो आप क्या करें आप F U निकाल लीजिए, अज्यूम्ड मीन मेथड इन कॉन्टिन्यूस सीरीज, अज्यूम्ड मीन मेथड इन अ कॉन्टिन्यूस सीरीज, हम यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हैं और हमने एक डेटा में से हमने कुछ सबट्रैक्ट कर लिया, एक नंबर अज्यूम कर लिया 1000 कर लिया और 200 से हम सबको डिवाइड कर रहे हैं, और ये मेरे पास में एफ यू यू आ गया और मैं यहाँ पे एफ यू निकाल रहा हूँ। एफ यू कैसे निकालेंगे? एफ से मल्टीप्लाई बाय कर देंगे, यू कंपनी ए की बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 10 - 10 = 0 - 26 = 16, तो आपके पास में आ गया 30 और आपके पास है 12, 42 - 10 = 32, तो एफ यू आपके पास में खैर 32 आया है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब आपके पास में एफ यू स्क्वायर लेना है आपने, एफ यू स्क्वायर, तो एफ यू स्क्वायर कैसे आएगा आपके पास में, एफ यू मल्टीप्लाई बाय यू दिस वन, तो क्या हो गया 10, 0, 26 और 32, तो आपके पास में आ गया 32 + 26 + 10 = 68। एक बात ध्यान रखिए बच्चे, फॉर्मूला अगर पहले लिख देंगे तो ज्यादा बेटर है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे आप इसका? स्टैंडर्ड डेविएशन कंटीन्यूअस सीरीज में निकालना है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, तो समीशन एफ यू स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एफ यू बाय एन का होल स्क्वायर इंटू जो आपने डिवाइड करा है, ये सबको किस नंबर से डिवाइड करा है, इंटू एच, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर मेरे पास में एफ तो अपनी जगह पर रखा हुआ है, यू कैसे निकालते हैं आप? यू कुछ इस तरीके से निकालते हैं, देन उसके बाद आपको चाहिए एफ यू, तो एफ यू निकाल लिया, फिर एफ यू स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, रूट
एफ यू स्क्वायर, समीशन ऑफ एफ यू स्क्वायर, तो आपके पास में 68 अपॉन आपके पास में एन, एन क्या आपके पास में आया बच्चे, कंपनी ए में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, कंपनी ए के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो 10 प्लस 16 प्लस 26 प्लस 8, हमारे पास में क्या है 60, क्लियर बच्चे, रिपीट करते हैं 10 प्लस 16 प्लस 26 प्लस 8 क्या है 60 एंड माइनस एफ यू 32 बाय एन का स्क्वायर, दिस 68 डिवाइडेड बाय 60 1.13 माइनस 32 इंटू 32 बाय 60 इंटू स्क्वायर 0.28 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 1.13 माइनस 0.28 उसका हम निकालेंगे क्या रूट, तो 0.92 दिस वन, क्लियर है ए फैक्ट्री का। अब इसके बाद मीन इसका कैसे निकालेंगे, तो मीन का क्या फॉर्मूला है, ये एफ यू है ना आपके पास में, ठीक है समीशन ऑफ मीन एक्स बार, तो समीशन ऑफ एफ यू अपॉन में समीशन ऑफ एफ ए प्लस समीशन एफ यू, या डी भी बोलते हैं हम इसको, इसको डी भी बोल देते हैं, तो ये डी हो गया, एक डी होता है डी डैश होता है, तो एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ जो आपने सम करा है डिवाइडेड बाय दिस और इनटू एच, तो एक्स बार इक्वल्स टू मीन निकालेंगे, ए क्या आपके पास में, ए आपके पास में है जो अज्यूम किया था डेटा माइनस करा था, और एफ यू आपके पास में है 32 और समीशन एफ आपके पास में 60 और इनटू एच जो सबसे डिवाइड, सबको सबसे डिवाइड करा था जिस नंबर से, तो एक्स बार इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 60 इनटू 200, रिपीट करता हूं 32 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 200 प्लस 1000, तो 1106.66 ये है। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस 0.92 अपॉन मीन 1106.66 और इंटू 100, सॉल्व करेंगे इसको आप 0.92 डिवाइडेड बाय 1106.66 इनटू 100, तो 0.08 ये इतने परसेंट आपका आया, क्लियर है, देख लीजिए कैसे करा है आपने। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, अलग अलग वेरियस मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, एक आप मीन के थ्रू निकालते हैं, एक अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, एक एक्चुअल मेथड होता है, एक मीन के थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं आप, तो अलग अलग तरीका, आप कैसे भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, आपके पास दूसरे तरीके बता रखे मैंने कि स्टैंडर्ड डेविएशन आप किस तरीके से निकालेंगे, तो सारे तरीके बताए हुए हैं स्टार्टिंग में, स्टैंडर्ड डेविएशन की क्लासेस देखोगे अगर आप, तो उनमें से कैसे भी निकाल लो, एक कंटीन्यूअस सीरीज में मैंने आपको अज्यूम्ड मीन मेथड कैसे अप्लाई करता है तो उससे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे वो तरीका भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। और इनटू 200 भी होगा बच्चे, हाँ बताता हूं सुने ना, अभी इनटू 100 किया था हमने, देख लेते हैं एक बार, हाँ यहां गड़बड़ कर दी हमने, कहा इनटू बाहर 100 आएगा, 100 आएगा ठीक है, तो 92 पॉइंट समथिंग आएगा,
इंटू 100 आएगा। वन पॉइंट वन थ्री माइनस पॉइंट टू एट, ये लिखा था ना फॉर्मूले में स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, इनटू एच नहीं कर रहा था, रूट इनटू 200, 184.39, 184.39 ये आएगा। डिवाइडेड बाय 16.66, क्लियर है? ये आपके पास में रिजल्ट रहा। तो यहां पर आपने क्या निकाला, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब आ से बी का भी निकाल सकते हो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब पूछ रहा है विच कंपनी लैंप्स हैव द ग्रेटर एवरेज लाइफ, तो किसकी एवरेज लाइफ, इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा होगा वो आंसर करेंगे। और कंसिस्टेंसी कौन रहेगा, जो लैंप्स ऑफ यूनिफॉर्म जो लगातार कंसिस्टेंसी में रहे, इसकी वैल्यू कम है वो आंसर होगा। दोनों से कंपेयर कर लेना आप, कंपेरिजन में चूक भी हो जाएगी तो आधा एक नंबर कटेगा बट पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। क्योंकि आपका बी का है ना 11.85% आएगा, ठीक है, तो इसलिए ए ग्रेटर एवरेज लाइफ है। और ज्यादा यूनिफॉर्म कौन है, द लैम्प्स ऑफ कंपनी बी आर द मोर यूनिफॉर्म, क्योंकि जिसकी वैल्यू कम होती है वो ज्यादा यूनिफॉर्म होता है, कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस होती है। अब यहां पर सुनेना क्या पूछ रहे हैं, सर एफ यू स्क्वायर कैसे हुआ, एफ यू स्क्वायर कैसे होगा बच्चे, एफ यू मल्टीप्लाई बाय यू इक्वल्स टू एफ यू स्क्वायर, तो एफ यू आया था अगेन मल्टीप्लाई बाय, मैंने यू कर दिया दिस वन, तो एफ यू स्क्वायर आ गया। क्लियर है बच्चे? तो आपका यहां पर स्टैंडर्डाइजेशन कैलकुलेट करने के वेरियस मेथड समझ लीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस समझ लीजिएगा, इस तरीके से कमेंट्स आपसे करवा सकता है क्वेश्चंस में, इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस को करना समझ लीजिए आप, और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से आप किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे आप इस बातों को समझ लीजिए। हर एक सवाल करवा रहा हूं मैं, जेके ठकराल की बुक लगभग लगभग आपके सारे इलस्ट्रेशनों से करवा रहा हूं मैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। और आज की क्लासेस में आपका डिस्पर्जन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी में हार्मोनिक मीन के ऊपर, उसके बाद स्क्यूनेस और जो भी टॉपिक मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी के बाद है उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस मंडे को शाम को 5 बजे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।